Hello everyone, let's start with question number 19. It says, in what direction does the buoyant force on an object immersed in a liquid act? तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि direction कौन सी रहती है buoyant force की. तो जैसे कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं buoyant force के बारे में, तो होता क्या है कि अगर आप कोई भी liquid लेते हो या कोई भी air, या हम बोल सकते हैं in general fluids, कि air हो या gases हो, जो भी हो, उस केस में हमारा क्या होता है कि बायंड फोर्स लगती है, बायंड फोर्स एक्टिवेट हो जाती है. तो होता क्या है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो किसी फ्लूइड के ऊपर, तो होगा क्या कि बायंड फोर्स नीचे से ऊपर लगती है. सो रिमेंबर कि डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी बायंड फोर्स की. इन फ्लूइड्स इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन. फ्लूइड्स का मतलब होता है कि सारे टाइप ऑफ लिक्विड एंड सारे टाइप ऑफ गैसेस. सो द आंसर टू दिस इज इन द अपवर्ड direction. So this is the answer for question number 19. Thank you for watching. Have a great day.